अगर आपकी डिलीवरी भी सितंबर में होने वाली है तो आपको ये चार चीजें जरूर जाननी चाहिए। नंबर वन, डिलीवरी का समय पास आने पर महिला को गुनगुने पानी से नहाना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, गुनगुने पानी से नहाने से आपकी मसल्स लूज होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के समय आपकी बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक आसानी से खुल जाता है। इसी के साथ आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल पीने में भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी आप पानी पिए, आपको प्यास लगे तो आप कोशिश करें कि आप गुनगुना पानी ही पिए। गुनगुना पानी अगर आप पीने और नहाने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी मसल्स लूज होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक आसानी से खुल जाता है। नंबर टू, एक्टिव रहना। क्या आप जानते हैं, डिलीवरी का समय जब पास आता है तो आपको ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। अब आप ज़्यादा एक्टिव कैसे रह सकते हैं? नंबर वन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है। आप अगर दिन के 3 टाइम वॉक कर सकते हैं तो आपको 3 टाइम वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग में और इवनिंग में तो आपको 1-1 घंटा घूमना ही है, साथ ही दिन में खाना खाने के बाद भी आप कमरे में आधे से 45 मिनट्स तक घूम सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं घूमना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद आपको 20 मिनट कम से कम रेस्ट करना चाहिए, आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद आधे से 45 मिनट तक आप वॉक कर सकते हैं। 3 टाइम वॉक करने से भी आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुले, जिसके लिए आपकी हेल्प गुनगुना पानी कर सकता है। आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उससे आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो आसानी से खुलेगा। इसी के साथ आप एक्सरसाइज और योगा, इनका सहारा भी ले सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो डिलीवरी से पहले की जाती हैं, जैसे स्क्वाट, डक वॉक, बटरफ्लाई, इन सारी चीज़ों को भी आपको करना चाहिए। साथ ही घर के छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हैं, जिन्हें करने में आपको परेशानी नहीं लगती है, उन्हें भी आपको करना चाहिए। डिलीवरी का समय पास आने पर बहुत ज़्यादा नींद आती है, थकान होती है। आपको ये भी देखना है, अगर आपका शरीर जल्दी थक जा रहा है, आपसे नहीं घूमा जा रहा या आपसे घर का कोई काम नहीं किया जा रहा, तो आपको ज़बरदस्ती वो काम नहीं करना है। आपको एक्टिव ज़रूर रहना है, मगर आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाना भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी तो इससे आपको और आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी है। 6 घंटे आप रात को सो सकते हैं, इसी के साथ 2 घंटे आप दिन में अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, मगर आपको अपनी नींद को भी पूरा ज़रूर करना है। कई बार आपको रात को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से जब आप दिन में सोते हैं तो लोग आपको सोने नहीं देते। मगर आपकी नींद रात को पूरी नहीं हो रही है तो आपको उसे दिन में पूरा करना है, मगर आपको पूरे दिन भर में 8 घंटे सोना ज़रूर है। इसी के साथ जब आप योगा करते हैं तो योगा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है कि आपका मन शांत होता है और आप डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। डिलीवरी का समय पास आने पर एक महिला बहुत ज़्यादा डरती है और घबराती है। जैसे ही आप डरते हैं और घबराते हैं तो जो आपकी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल और लूज होने की बजाय टाइट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं और डिलीवरी के समय आपको बहुत अधिक दर्द होता है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं। जितना आप कम डरेंगे उतना ही आपकी डिलीवरी में समय भी कम लगेगा और आपको दर्द भी कम होगा। इसी के साथ नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। नंबर थ्री, डिलीवरी का समय पास आने पर आपको गर्म तासीर की चीज़ें खानी और पीनी चाहिए। ठंडी तासीर की चीज़ों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। आप दूध में घी डालकर ले सकते हैं। दूध में हल्दी, केसर, किशमिश, मुनक्के, खजूर, इन सबको भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। आपको गर्म तासीर की चीज़ें लेनी है। आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना सकते हैं, उसे दूध के साथ ले सकते हैं, या आप रात को ड्राई फ्रूट्स भिगा के सुबह उनको ले सकते हैं। आपको गर्म तासीर की चीज़ें लेनी है। इसी के साथ आप लड्डू खा सकते हैं, आप हलवा खा सकते हैं जो डिलीवरी से पहले खाया जाता है या डिलीवरी के बाद खाया जाता है। आपको गर्म तासीर की चीज़ें लेनी है। इसी के साथ आप अदरक और अजवाइन का पानी भी चाय की तरह दिन में और सुबह उठकर ले सकते हैं।
इस पानी को आप डिलीवरी के बाद भी पी सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आपको अदरक और अजवाइन का पानी डिलीवरी के बाद भी पीना चाहिए। इससे आपकी जो रिकवरी होती है वो जल्दी होती है और आपकी बॉडी जल्दी से हील भी होती है। नंबर 4, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। डिलीवरी से पहले आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होना चाहिए, आपका बीपी डाउन नहीं होना चाहिए, आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट होने चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा अपने खाने पीने के ऊपर। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। आप आयरन और कैल्शियम की जो गोलियां आपको डॉक्टर ने दी होंगी उसे अच्छे से लीजिए। आयरन वाली जो चीज़ें होती हैं उसे अपनी डाइट में अच्छे से शामिल कीजिए। आप अनार खाइए, चुकंदर खाइए, आप खजूर खाइए, गुड़ लीजिए अपनी डाइट में। आप भुने हुए चने खा सकते हैं। आप कैल्शियम के लिए दूध ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं, आप दूध से बनी हुई चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सोयाबीन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं। अब जब भी खाना पकाएं तो लोहे के बर्तन में पकाएं ताकि उससे आपको आयरन मिले। अगर डिलीवरी से पहले आपके शरीर में आयरन कम होगा या हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा या पानी की कमी होगी या बीपी कम या ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी कम होते हैं और साथ ही घर में पल रहे शिशु को खतरा भी होता है। तो ध्यान रखें कि डिलीवरी से पहले आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो और डिलीवरी से 1 महीना पहले अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं ताकि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ली है या नहीं ली है आप ये चीज़ चेक कर सकें। साथ ही डॉक्टर के पास जाके लेबर पेन की जानकारी लें, लेबर पेन आने पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इस चीज़ की जानकारी लें और बच्चे के होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इन चीज़ों की जानकारी भी आपको अभी से रखनी है। ये सारी चीज़ों की जानकारी जब आप रखेंगे तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, साथ ही आप प्रिपेयर रहेंगे तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेबी केयर फैमिली की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा।